इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑफ लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने क्या सपोज कर लिया, वेक्टर ई, और यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज हम लोग मानते हैं, और इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, वेक्टर एफ। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ भी यहाँ क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में रहेगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू एंड वेक्टर ई। इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और कूलम्ब हो जाएगा चार्ज की यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम्ब। अगर इसके हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और कूलम का क्या होता है ए टी, और ए टी यहाँ पर माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये माइनस आ जाएगा तो माइनस वन, माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और ए माइनस वन। एंड दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हो गया कि किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तेजी से फोर्स अप्लाई कर रही है, यही क्या होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।